Hello students, I'm your science teacher. Just open science textbook for class 9, NCERT. Now open page number 103. This page. Shall we start? Again come to this point. This kind of motion is known as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity, and negative when it is opposite to the direction of velocity. What does it mean? जब आप कोई भी व्हीकल स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसकी रेस बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है. जिस तरफ जाना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है. लेकिन अगर आप उसी स्पीड को कम करना चाहें, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आपकी जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट काम हो रहा है. ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो आप जिधर जा रहे हैं उसके अगेंस्ट काम हो रहा है, तो हम इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन लेंगे. और इसी का दूसरा फिजिकल नेम है, टर्मिनोलॉजी है, रिटार्डेशन. इसकी अलग टर्मिनोलॉजी दी जाए तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन के नाम से भी कहते हैं. जैसे आपने एक्सीलरेटर दबाया, व्हीकल की स्पीड बढ़ गया, व्हीकल तेज भागने लग गया, लेकिन जैसे ब्रेक दबाया तो आपका व्हीकल रुकने लग जाता है, और कई बार तो बिल्कुल आके रुक जाता है. सो व्हेन वी टेक पॉजिटिव एक्सीलरेशन, व्हेन वी टेक नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन. एक्सीलरेशन में आप जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाता है, उसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस क्या है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है. क्लियर? नाउ द SI यूनिट, SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल. द SI यूनिट, इट इज मेंशन हियर, द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ओके, नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है और उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या कम हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल टाइम, देन व्हाट हैपेंस? देन द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म. तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यू कैन अंडरलाइन दिस वन. द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग का मतलब है जब कोई बॉडी गिर रही है तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. केवल वो नीचे क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी उसको, अर्थ की ग्रेविटी नीचे खींच रही है. दैट इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी. जैसे कोई जंप करता है तो जंप करने के बाद जो उसने जंप किया वो नीचे किस लिए आ रहा है? कोई इसको फोर्स नहीं कर रहा नीचे जाने के लिए, लेकिन वो नीचे खींच रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉल. ओके, सो द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. तो फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है. क्लियर? ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स इफ वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट. हर इक्वल इंटरवल में अनइक्वल चेंजेस हो रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कार ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस स्पीड बाई अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल टाइम, देन द कार इज सेट टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर 15 मिनट्स में उसको 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना ही है. कभी आप स्पीड बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी कम करते. जैसे भी रोड की सिचुएशन है, ट्रैफिक है तो कम किया, खाली रोड है तो आपने बढ़ा दिया, तो ये कहलाएगा इस तरह का मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एंड व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन. इन मैथमेटिकल फॉर्म ए, इट इज डिनोटेड बाई ए, v minus u upon t, final velocity minus initial velocity upon time. So this is all about uniform acceleration and non-uniform acceleration. Clear? Thank you.